और अरमान भैया निजी भाई को क्यों ला रहे थे बीच में? और क्योंकि मैं और मैं निजी और चंद्रिका हम लोग तीनों बात कर रहे थे, तो हमने निजी को बोला, मतलब हम उसको अंदर बैठ के समझा रहे थे कि तुम्हारा बोलने का जो तरीका था वो नेजी का जो बोलने का तरीका था वो तुम्हें तो तीन चीज़ों पे पॉइंट करना था। जो शिवानी को वो तमीज़ वर्ड से थोड़ी इरिटेशन हुई, उसको लगा उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी वीक हो गई, समझने में तुम्हें गलत फहमी होगी कि वो बदतमीज़ बोल रहा है शायद मुझे, राइट? तमीज़ में बात करो, तमीज़ मीन रिस्पेक्टफुली बात। एकदम उसने बोला ना कि तमीज़ में बात करो, तो बढ़ के तुम पहले ही से ही थे निजी भाई को। वैसे नहीं, बातचीत करते नहीं है, कोई बात हो तो वाइब्स नहीं मिलता। हाँ, वो अच्छा लड़का है, मैं बता रही हूँ, वो वाइज है, वो जब बोलेगा कोई रीज़न से बोल रहा। और वो तुझे बोला ना कि अभी तुझे सुबह में भी समझाया ना, वो क्या बोला कि शिवानी तुम ना अच्छी हो, मस्ती करो, सब करना है करो, बट एक लिमिट में करो कि किसी को तुम हर्ट ना करो। हर्ट वर्ड मतलब क्या है? अभी तुम कैसे समझ, तुम समझी हो शिवानी, तुम समझ गई हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने आप से पूछे थे उस दिन, तो जो बात हुई थी बहन, वो तुमने और चंद्रिका दीदी ने बोला था ना कि चलो आइंदा हम नहीं बोलेंगे, वही तो बात उठा हाँ, दी वही सॉरी आके क्यों बोली थी। हाँ, तुम्हें बोलना चाहिए था भैया हम सॉरी चीज़ों के लिए नहीं, हमने जिस तरीके से आपसे बात की हम इसके लिए माफ़ी मांग रहे थे। अगेन बड़े हो तुम, छोटी हो, लह बोलते ना, हम सॉरी बोलने से बहन अगर किसी को खुशी मिलती है हम 50 बार बोल देंगे, हमें दिक्कत नहीं है कि सॉरी बोल दी हम छोटे बन गए, नहीं हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। हम अभी भैया अभी जो बात उठाई कि अपने बाप को भी ऐसे गाली देती होगी, यार बाप तक क्यों जा रहे हो मेरे ऐसा? हाँ तो तुम चली, मैं रो गई थी, बाप को भी अपने गाली देती होगी, मेरे तो बाप एक साल की थी, मैंने तो देख भी नहीं पाया सही से, और तुम ऐसे बोल रहे। तो तुम्हें तब बोलना चाहिए था कि मेरी फैमिली पे मत जाओ, जो बोलना है मुझे बोलो, बाप माँ बहन भाई उस पे मत जाओ। मैं गई क्या? अगर मैं